वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। तन गुरु नानक देव साहिब जी की 12वीं कड़ी में आप सबका स्वागत है। एक बार काजी और मौलवी धर्म के बारे में बातचीत कर रहे थे। उन्होंने गुरु नानक देव जी से पूछा कि कौन बड़ा है, हिंदू या मुसलमान। इसका जवाब देते हुए गुरु नानक देव जी ने कहा, अच्छे कर्मों के बिना दोनों ही छोटे हैं और दोनों ही रोते हैं। भगवान अपनी शरण में ये पूछकर नहीं लेता कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान। उसकी शरण में जाने के लिए अच्छे कर्मों का ही योगदान होता है। बाबा अखे हाजिया, छुब अमला नानक देव जी जब वापिस लौटे तो नगर वासियों को ये विश्वास हो चुका था कि गुरु नानक देव जी को परम ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। गुरु नानक देव जी की कही बात कि ना कोई हिंदू है और ना ही कोई मुसलमान, काजी साहब को बुरी लगी और उन्होंने इसी बात की शिकायत नवाब दौलत खां से की। नवाब दौलत खां के नियोते पर गुरु नानक देव जी उनके साथ नमाज पढ़ने गए। वहाँ काजी साहब को नमाज पढ़ता देख गुरु नानक देव जी हंसे। आगे क्या हुआ आइए सुनते हैं। काजी साहब को सजदा करते हुए देख महाराज जी हंसने लगे। तौबा तौबा, काजी जी तो जल भुन गए होंगे। हाँ, तभी तो जैसे ही उन्होंने नमाज अदा की तुरंत नवाब साहब से शिकायत की कि नानक देव ने नमाज के समय हंसकर सारी भीड़ को ही बेइज्जत नहीं किया बल्कि सारी मुसलमान बिरादरी की हंसी उड़ाई है। उन्हें तो मौका मिल गया था ना। अब खैर ये बताओ नवाब साहब ने क्या कहा? यही कि महाराज आपने तो हम लोगों के साथ नमाज में शामिल होने का वायदा किया था, पर इसके उलट जब काजी साहब नमाज पढ़ रहे थे तो आप उन पर हंस क्यों रहे थे? अच्छा, तो फिर क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा मैंने नमाज में शामिल होने की प्रतिज्ञा अवश्य की थी,
पर काजी साहब का ध्यान तो नमाज में बिल्कुल था ही नहीं। वो तो मुंह से कुरान की आयतों का उच्चारण कर रहे थे, पर उनका मन तो कहीं दूसरी ओर ही था। अच्छा जी, कहाँ था उनका मन? अपने घर। उनके घर में एक नए बछड़े का जन्म हुआ है। नमाज पढ़ते हुए वो सोच रहे थे कि वो बछड़ा आंगन के बड़े गड्ढे में ना गिर जाए। तो महाराज जी ने तो उनके मन की बात जान ली और लोगों को बता दिया कि काजी जी का नमाज पढ़ना तो ढोंग है, लेकिन लेकिन वो हंसे क्यों, ये तुमने नहीं बताया। हाँ, वो ये सोचकर हंसे कि हम मनुष्य स्वयं को और संसार को कितना धोखा देते हैं, साथ ही खुदा को भी धोखा देते हैं। आप क्या सोचने लगे? यही कि काजी जी के साथ नवाब साहब भी तो नमाज पढ़ रहे थे, महाराज जी उन्हीं की नमाज में सम्मिलित हो जाते। ओहो, यही बात अपनी शर्मिंदगी छिपाने के लिए काजी साहब ने कही, तो महाराज जी ने कहा कि वो भी नमाज नहीं पढ़ रहे थे। उनका शरीर तो मस्जिद में सजदा कर रहा था, पर मन काबुल में घोड़े खरीद रहा था। क्या कह रहे हो मनसुख भाई? हाँ, महाराज जी ने तो उनके मन को भी पढ़ लिया। जी मर्दाना भाई, तभी तो उन्होंने आगे कहा कि जितने व्यक्ति यहाँ नमाज पढ़ रहे हैं सबके मन संसारी कार्यों के पीछे चक्कर काट रहे हैं, ऐसे में ऐसी नमाज किस काम की। हाँ मनसुख भाई, बात तो सही है। महाराज जी का कहना था कि ऐसी नमाज से हमारा अहंकार, दंभ और निर्दयता बढ़ती है, इसलिए मैं आप लोगों की नमाज में शामिल नहीं हुआ। भाई मनसुख, काजी जी पर तो घड़ों पानी पड़ गया होगा। हाँ मर्दाना भाई, वो तो ऐसे चुप हुए जैसे मुंह में जबानी ना हो। लेकिन नवाब साहब ने महाराज जी के पांव पकड़ लिए और कहा, हे सच्चे फकीर, आप हमारा रक्षक बनना स्वीकार कीजिए, मैं जिंदगी भर आपका गुलाम बनकर आपकी खिदमत करूंगा। तो फिर गुरु जी ने क्या कहा मनसुख भाई? मर्दाना भाई, जिसे सारे संसार का शासक किसी जरूरी काम के लिए चुन चुका हो, वो क्या इस छोटे से जमीन के टुकड़े पर राज्य करने के लिए रुकेगा। ठीक कहते हो मनसुख भाई। तभी तो महाराज जी ने कहा, मुझे अपने प्रभु की सेवा में अपना जीवन अर्पित करना है। उस प्रभु का मुझे आदेश है कि मैं दूर देश जाऊं और लोगों को उनका उपदेश सुनाऊं। मनसुख भाई, अगर प्रभु का गुरु जी को ऐसा आदेश है तो फिर यूं समझ लो यही आदेश गुरु जी ने मुझे भी दे दिया है, मुझे भी उनके साथ जाना होगा। मगर भाई मर्दाना। मनसुख भाई, तुमने ये खबर देने में मुझे इतनी देर क्यों की? वहां गुरुजी मेरी राह देख रहे होंगे। गुरुजी मैं भी आपके साथ चलूंगा। गुरुजी मर्दाना भाई, वो इतनी जल्दी थोड़े ही चले जाएंगे, अभी तो तलवंडी से उनके माता पिता और उनके ससुर भी पहुंचने वाले हैं, उनसे मिलकर ही वो यात्रा पर निकलेंगे। हाँ मनसुख भाई, मगर मैं तो उनसे अभी ठीक तरह से मिला भी नहीं हूँ। मैं अभी उनसे मिलने जाता हूँ, अभी जाता हूँ। ना भाभी ना, ऐसे दिल छोटा नहीं करते। दीदी दीदी, ये सब अचानक क्या हो गया? और वे तो आकर भी जैसे नहीं आए, ऐसा व्यवहार वे क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं वो? भाभी, यदि हम लोगों को इस बात की जानकारी होती तो हम सब कुछ उपाय भी सोचते, लेकिन हम सभी मजबूर हैं, वो हमें कुछ बता भी तो नहीं रहे। लो, ये भी आ गए। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। सुनो जी, भैया आप कहाँ हैं? कुछ पता चला उनका? मर्दाना के साथ एकांत में चले गए। हे परमात्मा, ये तूने कैसी मुसीबत खड़ी की है? अब तो तू ही हमें इस कठिनाई से बाहर निकालेगा। समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें समझाऊं कैसे। सुनो जी, क्या माँ पिताजी
और बाबा मूलचंद को उनके वापस लौटने की खबर दे दी आपने? हाँ नानकी, वो लोग यहाँ पहुँचते ही होंगे। हाँ? अरे लगता है वो लोग पहुँच गए हैं। भाभी तुम बच्चों को संभालो, मैं देख कर आती हूँ। नानकी ये क्या हो गया? हाय मेरे रब्बा, ये क्या हो गया? इस बुढ़ापे में हमें ये दिन भी देखने थे। माँ तुम रो मत माँ, देखो पिताजी बाबा जी सब गए हैं ना वीर जी को समझाने। नानकी मेरा तो कलेजा मुंह को आता है, देख देख इन दोनों मासूमों को। अरे क्या बिगाड़ा है इन्होंने किसी का, क्या बिगाड़ा है देख तो। माँ जी अब मेरा इस संसार में कौन है? उन्हें कम से कम इन नन्हे बच्चों की दशा पर दया तो करनी चाहिए। दया करेगा बहू, दया करेगा। आप आ गए जी। जिस परमात्मा ने इन बच्चों को तुम्हें सौंपा है वही इनकी रक्षा करेगा। क्या कहा उसने? नानक की माँ मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे लाल को समझा नहीं पाया। क्या वो अब घर वापस नहीं आएंगे? नहीं नानकी, नहीं। वो तो उपदेश यात्रा पर रवाना होने की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, उसे रोको रोको, उसे रोको, उसे रोको। रोका हमने नानक की माँ, बहुत रोका उसे, लेकिन लेकिन उसने कहा मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि मेरा धर्म पिता की सेवा करना है, परंतु संसारी पिता के अलावा एक और पिता भी है जो सभी प्राणियों जीव जंतुओं और मनुष्यों का पिता है। उस परम पिता की आज्ञा है कि मैं बाहर जाऊं, दुखी मानवता के घायल हृदयों पर फाहा लगाऊं और उन्हें उन्हें शीतल करूं। अरे भगवान ये तुमने कैसी आज्ञा दे दी उसे? क्या तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन मेरा बेटा नहीं कर सकता है? नहीं कर सकता माँ जी, नहीं कर सकता। उन्होंने साफ कहा उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना मेरे बूते की बात नहीं है। उसका आदेश मुझे बाहर भेज रहा है। हाँ माँ जी, वही आदेश मेरे माता पिता की बुढ़ौती से रक्षा करेगा, बुढ़ौती से रक्षा करेगा। और इन मासूमों का क्या होगा? इनका भरण पोषण कौन करेगा? भाभी को कौन धीरज बंधाएगा? क्या आपने इनका वास्ता नहीं दिया उन्हें? नहीं दिया था बेटी, दिया था, सबका वास्ता दिया था, लेकिन उसने कहा यहाँ के मेरे सारे काम खत्म हो गए हैं, इसलिए जिस सर्वशक्तिमान सर्वरक्षक ने मेरे बहुत प्यारे बच्चों को छोड़ने की आज्ञा दी है वही इन बच्चों की रक्षा करेगा, वही भरण पोषण करेगा। हे भगवान मेरे रब्बा क्या किया। तलवंडी वासियों से जरूर कोई भारी पाप हुआ है जो ऐसी महान आत्मा आज इस जगह को वीरान करके जा रही है। हमसे तो अच्छा भाई मर्दाना है जिसे उनके साथ जाने का मौका तो मिला,
भाई मर्दाना के अच्छे कर्म, अच्छा भाग्य जो महाराज जी के कदमों तले जगह मिल गई उसे। देखो तो नवाब दौलत खां भी उन्हें विदाई देने पहुंचे हैं। आज हमारे बीच हीरे का नूर बरसाने वाले नानक देव हमसे दूर जा रहे हैं। अल्लाह करे जिस सफर पर वो निकले हैं वो पूरा हो। अल्लाह उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाए। आमीन। गुरु नानक देव जी संसारिक मोहमाया का त्याग कर अपने सफर पर निकल पड़े। उनका मानना है कि अगर मेरे पास मोतियों और जेवरों से जड़ा महल हो तो शायद मैं ईश्वर को भूल जाऊंगा और उसका नाम भी मेरे मन में नहीं आएगा, परंतु अगर ऐसा होगा तो मेरी आत्मा झुलस जाएगी। मोती ता मंदर उसरे रतनी ता होए जड़ाओ कस्तूर कुंगू अगर चंदन लीप आवे चाओ मत देख पुला विसरे तेरा चित ना आवे नाओ मत देख पुला विसरे तेरा चित ना आवे नाओ हर बिन जियो जल बल जाओ हर बिन जियो जल बल जाओ। चला गया मेरा बेटा, चला गया इस बुढ़िया माँ को छोड़कर, चला गया। गुरु नानक देव जी अपनी गृहस्थी को त्याग कर अपने परिवार को छोड़कर उपदेश यात्रा पर निकल पड़े। आइए इस कड़ी का अंत करते हैं। आगे क्या हुआ जानने के लिए शुरू करें हमारी अगली कड़ी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।